तुम? अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता था कि तुम घर छोड़ दोगे, मगर इतना जल्दी छोड़ोगे इसका अंदाजा नहीं था मुझे। मसब्बा ने कहा कि या तो मेरी लॉटरी का टिकट बन जाओ या घर छोड़ दो, और तुमने घर छोड़ दिया। गलत किया मैंने क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक किया तुमने। अच्छा माजिद भाई, मैं कुछ दिनों के लिए ऑफिस में रह लूं, जैसे ही मुझे कोई घर मिलेगा मैं यहां से चला जाऊंगा। कमाल करते हो यार, हम मर गए हैं क्या कि मेरे होते हुए तुम कोई जगह ढूंढोगे? क्लिफ्टन में मेरा एक घर खाली पड़ा है, नीचे किराएदार है, तुम ऊपर रह लेना। अरे नहीं माजिद भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप, फिक्र ना करें, मैं कुछ ढूंढ लूंगा। अरे छोड़ो यार, तुम जाओ अपने ऑफिस में बैठो, मेरे पास कुछ मेहमान बैठे हैं, उन्हें रुखसत करके आता हूं तो फिर चलते हैं, ठीक है? माजिद भाई, थैंक यू यार। अरे यार तुम पिट हो गया, बैठो मैं आता हूं। माजिद भाई, किसी के चीखने की आवाज आई है। चीख? हाँ मैंने किसी के चीखने की आवाज सुनी है। नहीं तो कौन सी चीख? मैंने खुद सुनी है किसी लड़की के चीखने की आवाज आई है। माजिद भाई तुम अभी स्ट्रेस में हो, खैर है कोई बात नहीं। मैं कितना भी स्ट्रेस में हूँ, मेरे कान आवाजें कैसे सुन सकते हैं? अरे भाई तुम खुद ही बताओ कि चीख कौन मारेगा, मैं या तुम? हमारे अलावा यहाँ है ही कौन? वो देखो, सारा दरवाजा खुला छोड़ा हुआ, वो दरअसल बराबर वाली बिल्डिंग से बहुत शोर आता है। चले जी, मैं बस सामान ले लूं फिर चलते हैं। कर लो फिर, मैं गाड़ी भी वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना जी।